हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक फंक्शन के बारे में, एक ऐसा टॉपिक जिसपे कि नेट के एग्जाम में सीधा सवाल पूछा गया था। जस्ट आप लोगों के फंक्शन के बारे में आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हो। इस फंक्शन को समझते हैं और कुछ बहुत शानदार बातें जो इससे जुड़ी हुई हम लोग कर सकते हैं उनको साथ में देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली बात तो ये फंक्शन होता क्या है, मेरे पास क्या है मेरे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसे बड़े आसान तरीके समझिएगा कि हमारे पास ये काम करता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी e सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास एक टेस्टिंग मशीन की तरह काम करता है। क्या कि फंक्शन हमारे पास इस e का यूज करके हम लोग डिफाइन कर रहे होंगे और फंक्शन r टू r डिफाइन होगा, यानी फंक्शन की डोमेन भी r और को डोमेन भी मेरे पास r आ रही होगी। हमारे पास इस फंक्शन के अंदर जब भी कोई इनपुट आएगा, मान लीजिए x एक रियल नंबर, तो आउटपुट मुझे क्या मिल रहे होंगे। जैसा मैंने कहा कि एक टेस्टिंग मशीन तरह काम कर रहा होगा। कैसी मशीन? ये हमें बताएगी कि आपके अंदर जो इनपुट आया है, अगर वो इनपुट मेरे पास एक रियल नंबर है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो रियल नंबर ई के अंदर बैठा होगा या वो ई के अंदर नहीं बैठा होगा। अगर आपने जो रियल नंबर इनपुट में लिया, अगर वो ई के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि अगर मेरे पास जो एक्स आ रहा है वो ई के अंदर है, तो मुझे आउटपुट में वन देगा, यानी कि हाँ ये एलिमेंट ई का मेरे पास आ रहा है। और अगर मेरे पास जो इनपुट आ रहा है वो ई का मेंबर नहीं है, तो ये मुझे आउटपुट जीरो देगा कि जो इनपुट मेरे पास आया है वो जीरो का मेंबर नहीं है। तो यानी कि 1010 इस तरीके से हमारे पास आउटपुट देता है। किस पे डिपेंड करता है? कि जो इनपुट मेरे पास आया है, अगर वो मेरे पास आता है हमारा एक ऐसा रियल नंबर जो ई में बिलोंग कर रहा हो, तो आउटपुट वन मिलता है, और अगर वो नहीं करता है बिलोंग ई में तो मेरे पास आउटपुट मिलता है जीरो। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपसे पूछ रहे हैं कि ई आप जानते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर है। हमारे पास बात की जाए कितने बन सकते हैं सबसेट ऑफ रियल नंबर, जितने मेरे पास एलिमेंट होते हैं पावर सेट ऑफ रियल नंबर में, जो कि मेरे पास मैं जानता हूं 2^ कार्डिनलिटी ऑफ आर, यानी कि 2^ कंटिन्यूम, यानी कि मेरे पास पावर सेट ऑफ रियल नंबर एक अनकाउंटेबल सेट आता है, यानी कि मेरे पास अनकाउंटेबली मैनी ऐसे फंक्शन बनाए जा सकते हैं। आपसे पूछ रहे हैं इन अनकाउंटेबली मैनी फंक्शंस में से ऐसे कितने फंक्शंस होंगे जो मेरे पास कॉन्टिन्यूस आ रहे होंगे। कितनी इंटरेस्टिंग बात मेरे पास आती है, इस बात को समझिएगा सभी लोग बड़े ध्यान से। हमारे पास एग्जांपल के तौर पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर एक सबसेट ऑफ रियल नंबर उठा लेता हूं, मान लीजिए e इज इक्वल टू 5, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होगा? फंक्शन मेरे पास बनेगा इनपुट जब जब मेरे पास आएगा 5 से, तब तब मुझे मिलेगा आउटपुट यहां पर 1, और जब जब इनपुट मेरे पास आएगा 5 के बाहर से तो आउटपुट मिलेगा मुझे जीरो। अब आप जानते हैं 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, एम्प्टी सेट है, यानी कि मेरे पास यहां पर ये कभी होगा नहीं, यानी कि यहां से मुझे बात नजर आई कि काई ई मेरे पास क्या बनेगा, इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स इन आर, यानी कि हमारे पास ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन बन जाता है अगर आपने ई को 5 उठाया। सेम हमारे पास मान लीजिए आपने ई को एम्प्टी सेट ना लेकर आपने ई को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले लिया, इस केस में हमारे पास आप पाओगे कि सारे के सारे मेरे पास जो भी इनपुट आएंगे वो रियल नंबर से आने वाले हैं, यानी कि हमेशा आउटपुट मिलेगा 1, यानी कि मेरे पास इस केस में भी ये आने वाला है हमारा क्या, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो आपने देखा ये दो एग्जांपल, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, केवल यही दो ऐसे केस आते हैं जब आपका करेक्टरिस्टिक फंक्शन बन जाता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन साथ में। इसके अलावा हमारे पास किसी भी केस में फंक्शन मेरे पास बनता ही नहीं है आपका एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ध्यान से देखिएगा इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम कैसे कह पा रहे हैं कि अनकाउंटेबली मेनी फंक्शन बनाए जा सकते हैं। उनमें से केवल दो हमारे पास ऐसे फंक्शन बनेंगे जो कि मेरे पास बनेंगे हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कैसे हमारा रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को समझिएगा कि आपके पास जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन है काई ई, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ ई इज ओपन सेट एज वेल एज क्लोज्ड सेट, दैट इज आइदर ई इज इक्वल टू एम्प्टी
और E इज इक्वल टू आर। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास बात की जाए एक ऐसे सबसेट ऑफ आर की जो ओपन एज वेल एज क्लोज आए, वो केवल मेरे पास है तो एम्प्टी बनता है या मेरे पास रियल नंबर बनता है। रियल नंबर के सेट के कनेक्टेड होने की वजह से इसके पास एक खूबी आती है। अब हम लोग ये प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए, राइट टू लेफ्ट हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर मेरे पास ई एम्प्टी हुआ तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा, ई आर हुआ तब भी मेरे पास कॉन्टिन्यूअस आएगा। अब प्रूफ ये करना है कि अगर मेरे पास करेक्टरिस्टिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये इंप्लाई करेगा कि या तो ई मेरे पास एम्प्टी हो सकता है या इक्वल टू आर। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं लेफ्ट टू राइट इस प्रूफ को करना चाहता हूं, हमारे पास अब मेरे पास फंक्शन है काई ई, जिसमें अगर इनपुट आता है ई का एलिमेंट, आउटपुट मिलता है मुझे वन, और इनपुट आता है ई से बाहर का एलिमेंट तो मुझे आउटपुट मिलता है जीरो। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि मैंने लेफ्ट वाला एज्यूम कर लिया कि मेरे पास हाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर के पास दो खूबियां आती है। पहली खूबी क्या, इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन एंड इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज ऑलवेज क्लोज। अगर मैं यहां पर एक सेट उठाता हूं सेट कंटेनिंग वन, इसका डिराइव सेट क्या आता है एम्प्टी, यानी कि मेरे पास यहां पर मुझे बात नजर आई कि ये सेट मेरे पास क्लोज बनेगा। अगर मैं सेट उठाता हूं सेट कंटेनिंग जीरो, इसका डिराइव सेट क्या आता है एम्प्टी सेट, यानी कि ये सेट ही मेरे पास क्लोज आ रहा होगा। अगर मैं इनकी इनवर्स इमेज लेता हूं इस फंक्शन के अंडर, यानी कि काई ई इनवर्स, इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट एंड इनवर्स इमेज ऑफ दिस सेट, यानी कि मेरे पास ये क्या बनेगा काई ई इनवर्स ऑफ सेट कंटेनिंग वन, डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जिन पर फंक्शन अप्लाई करने के बाद आउटपुट आता है वन, वो तो मेरे पास केवल ई के एलिमेंट होते हैं, यानी कि ये सेट मेरे पास ई बन गया, हाँ या ना। डोमेन के वो सारे एलिमेंट्स जिन पर हमारे पास काई ई अप्लाई करने के बाद आउटपुट आता है जीरो, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स ई कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास बनेंगे, या आप उसे कह सकते हैं आर माइनस ई, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट। अब आप जानते हैं कि हमने माना है काई ई कॉन्टिन्यूस आता है, तो पक्का ये मेरे पास इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट आने की वजह से क्लोज बनेगा एंड ई कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज बनेगा। हम लोग जानते हैं एक डेफिनेशन कि मेरे पास एक सेट क्लोज होता है इफ एंड ओनली उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाए, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्लोज है तो इंप्लाई करेगा ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो कि ई ही बनने वाला है, यानी कि ई मेरे पास ओपन आए। यानी कि हम यहां से बात नजर आई कि अगर इस बात को सच होना है कि मेरे पास काई ई कॉन्टिन्यूस है तो ई को क्लोज भी होना पड़ेगा, ई को ओपन भी होना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे पास ई या तो फाई हो सकता है या इक्वल टू आर हो सकता है। इसके अलावा किसी भी केस में हमारे पास ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बन सकता। केवल यही दो केस मेरे पास बनते हैं। आई होप सभी लोगों को मेन आइडिया नजर आता है। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेट का एग्जाम बहुत करीब आने जा रहा है, ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज आप जानना चाहते हैं एग्जाम के बारे में, या आप लोग जानना चाहते हैं किसी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में कि अब बूस्टर कोर्स कैसे काम करता है, टेस्ट सीरीज कैसे काम करती है, उन पे क्या क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, सारी बातों की जानकारी के लिए अब स्पेशली आप लोगों के लिए एक अलग से टीम सेटअप कर दी गई है। अगर आप लोग चाहते हैं कभी भी कॉल करना दिन में तो 011-4084 011-4084-8077 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हम कॉल करें उससे अच्छा कि हमारे पास एक सुटेबल टाइम पे कॉल आ जाए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है ना, ऐसे एलीट बेस्ट 2.0 के नाम से, तो इसमें आपके पास जो भी क्वेरी है ना नेट मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस फॉर्म में आपको कुछ ज्यादा फिल नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। पहली बात कि क्या आपका क्वेश्चन नेट एग्जाम के लिए है, वो तो बात सच जा रही होगी। आपका नाम क्या है, साथ में आपको यहाँ पर मैथमेटिकल साइंस फिल करना है जो कि आप लोग बहुत जल्द फिल कर दोगे। उसके बाद जस्ट आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना है, टीम अपने आप से आप लोगों को वहां पर कनेक्ट कर रही होगी और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको वहां पर उसी हिसाब से जितना बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है वो निकाला जा रहा होगा, ठीक है। तो इसको जरूर भरिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।